कुछ इस तरह का दोस्तों डू इट रिएक्शन वीडियो यूट्यूब क्रिएट वीडियो एडिटर ऐप से किस तरह बनाते हैं, यानी यूट्यूब का जो ऑफिशियल वीडियो एडिटर ऐप है उससे डू इट वीडियो किस तरह बनाया जाता है, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप भी पूरा को पूरा इजी से डू इट वीडियो बना पाएंगे। इमोजी किस तरह लगाइएगा, किस तरह टेक्स्ट को लिखिएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और इजी से आप सीख जाइए और यूट्यूब के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में ढेर सारे वीडियो को आप अपलोड कीजिए डू इट वीडियो बना के, और ये डू इट वीडियो वाला जो चैनल होता है वो मोनिटाइज भी होता है। तो यहां पे वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि आपको जाना प्ले स्टोर पर। अगर आप YouTube क्रिएट वीडियो एडिटर ऐप के बारे में नहीं जानते तो आपको यहां पे बता दें YouTube का वीडियो और ऑफिशियल वीडियो क्रिएटर यानी वीडियो एडिटर ऐप है, इसे आपको जरूर यूज करना चाहिए। इसमें कोई भी वाटरमार्क वगैरह नहीं आता, आपको इजी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप आपके मोबाइल में है तो आपको सिंपल से ओपन करना, अगर नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देखिए। यहां से किया अपना प्ले स्टोर को ओपन किया, प्ले स्टोर ओपन करते हम यहां पे सर्च करते हैं YouTube क्रिएट, YouTube करते क्या YouTube क्रिएट लेकर सर्च किया तो हमारे सामने में देखिए ये यहाँ पे देखिए ये वाला YouTube क्रिएट, ये YouTube का ऑफिशियल वीडियो एडिटर ऐप है, ठीक ना। सिंपल सा इस पर क्लिक करना, जैसे इस पर क्लिक कीजिए हम यहाँ देखिए इस ऐप को ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, हम वीडियो को एडिटिंग भी इसी ऐप से करते हैं, ठीक ना। YouTube का ऑफिशियल हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ, तो देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन, अगर आपका ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपल से करना इंस्टॉल कर देना। यहाँ से करते इसे ओपन कर देते, जैसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है जो कि हम यूज किए हैं पहले, जो हम वीडियो को बनाए थे वो सारा का सारा वीडियो यहाँ पे एडिटिंग जो कि वो सारा का सारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर डू इट वीडियो हम आपको बनाना सिखाएंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी भी वीडियो के बगल में अपना वीडियो लगाना चाहते हैं, डू इट रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो वीडियो क्लिप्स को पहले आपको डाउनलोड करना होगा अपने फोन गैलरी में, यानी कोई भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यूट्यूब के शॉर्ट्स पे यानी यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत सारे रील्स वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे शॉर्ट्स वीडियो जो आता है जिस पे आप हो जाते हैं कि हम इसी के बगल में अपना एक रिएक्शन वीडियो बनाया, तो वो वीडियो को आपको फोन गैलरी में डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो उस वीडियो को पहले फोन गैलरी में डाउनलोड करना, उसके बाद सेकंड में आपको करना है कि अपना जैसा भी रिएक्शन देना चाहते हो उस वीडियो पे देना चाहते हैं तो उस तरह का रिएक्शन अपना कैमरा इस तरह ओपन कर लेना, ओपन करके ट्रिपॉड है ट्रिपॉड पे रख के जैसा भी उस पर हंसना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, रिएक्शन देना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, अपना जो भी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं उस वीडियो के माध्यम से उस तरह का रिकॉर्ड करके अपने फोन गैलरी में रख लेना, ठीक है। ये दोनों काम कर लेना, उसके बाद इस तरह ओपन करना, उसके बाद नीचे यहाँ प्लस वाले आइकन देखने को मिला कोने में, तो इस तरह प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया तो पूरा का पूरा आपका गैलरी इस तरह ओपन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखे आप जो वीडियो क्लिप डाउनलोड करके रखें वो वीडियो क्लिप कहाँ पे रखे, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और जो वीडियो यहाँ पे हम डाउनलोड करके रखे वो वीडियो क्लिप यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए आपको सिलेक्ट कर लेना जो वीडियो क्लिप आप डाउनलोड करके रखे हैं, ठीक है। तो हम ये वाला जो वीडियो क्लिप डाउनलोड करके रखें इस वीडियो क्लिप पे हम करते हैं क्या क्लिक कर देते हैं, वीडियो क्लिप पे क्लिक किया उसके बाद करते हैं क्या नीचे इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इम्पोर्ट पे करते हैं क्लिक करते हैं, इम्पोर्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कन्वर्टिंग का थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो भी आ रहा है तो कन्वर्टिंग हो जाने के बाद इस तरह आ जाएगा। जैसे इस तरह आएगा तो आपको सबसे पहले करना क्या इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर देना, यानी इसके बगल में अपना वीडियो लगाए तो इसके बगल में एडजस्ट भी जगह होना चाहिए ना, उसके बाद करना क्या इसे उंगली की मदद से इस तरह करना छोटा कर देना, इस तरह किए छोटा कर दिया थोड़ा सा इस तरह का, इतना छोटा करना है ताकि इसके बगल में अपना एक वीडियो को लगा पाए ऐड कर पाए, इस तरह छोटा कर देना, ये पूरा का पूरा छोटा हो चुका है। यहाँ पे आपको ध्यान देना यहाँ भी पूरा जगह खाली है, ऊपर में जगह खाली है और नीचे भी जगह पूरा खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वीडियो को लगाना, तो करना क्या यहाँ अब आपको करना क्या लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, देखिए यहीं पर आपके सामने में आएगा ओवरले का ऑप्शन, यहाँ देखिए ओवरले का ऑप्शन, अगर नहीं आया तो यहाँ पे कहीं भी एक टच कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ओवरले पे आपको करना क्लिक करना, जैसे ओवरले पे क्लिक कीजिएगा आपका फिर से गैलरी ओपन हो जाएगा, तो अपना जो भी रिएक्शन दिए हैं जो वीडियो को रिकॉर्ड करके वो वीडियो यहाँ से आपको करना सिलेक्ट करना, फॉर एग्जाम्पल किए हम ये वाला जो वीडियो को रिकॉर्ड किया अपना अभी के टाइम में, ठीक है। तो करते क्या इस पर क्लिक कर देते, जैसे इस पर क्लिक किए फिर से यहाँ इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से करना इम्पोर्ट पे क्लिक करना, जैसे इम्पोर्ट पे क्लिक कीजिएगा ये भी आपका कन्वर्टिंग का थोड़ा सा टाइम लेगा, कन्वर्टिंग हो जाने के बाद इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना अपना वाला वीडियो जो के बगल में ऐड कर देना इस तरह छोटा बड़ा करके, इस तरह जितना बड़ा रख करना चाहे अपने अपने हिसाब से एडजस्ट इस तरह कर लें। ये आपका पूरा को पूरा ऐड हो चुका है। अब यहां से थोड़ा हम आपको प्ले करके देखते हैं, यहां प्ले किए कुछ इस तरह का मेरा यहाँ वीडियो बनके रेडी हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना कि आपका जो लास्ट पोजीशन है एंड पोजीशन दोनों को बराबर रखना, ये दोनों जो लाइन है आपके सामने में देखने को मिल रहा है ये दोनों को लाइन को बराबर रखना और शुरू वाला जो पोजीशन है ये दोनों को भी आपको बराबर रखना है, समझ गए, ये दोनों को बराबर आपको रखना। अब बारी आती है कि अगर आप टेक्स्ट वगैरह ऊपर में लिखना चाहें या इमोजी वगैरह लगाना चाहें तो वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। इमोजी के लिए देखिए आपके सामने में यहीं पे एक ऑप्शन आएगा जो कि है इफेक्ट का, जैसे यहाँ देखिए इफेक्ट का ऑप्शन आता है, सिंपल से करना इफेक्ट पे क्लिक करना, जैसे इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा ये जो आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। उसके बाद आपको करना क्या है यहीं पे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ देखिए हम आपको दिखा देते हैं, चलिए स्टिकर का, देखिए
स्टिकर पे आपको करना क्लिक कर देना है। जैसे स्टिकर पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने जितने भी स्टिकर इस ऐप में आएगा वो सारा का सारा बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई वाटर मार्क वगैरह नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जो भी स्टिकर यूज करना चाहे, इमोजी यूज करना चाहे, वो सारा का सारा इमोजी भी यहाँ आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये इमोजी तभी आएगा जब तक आपके मोबाइल का डाटा ऑन ना रहे, ऑन आपका मोबाइल का डाटा होना चाहिए तभी ये ऑनलाइन आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी इमोजी वगैरह लगाना चाहिए इमोजी वगैरह लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल करते हैं कि ये वाला इमोजी हम क्लिक किए, इमोजी पे क्लिक किए, इंपोर्टिंग का समझ गया, ये इमोजी चले आया, इसे करते क्या छोटा कर देते हैं, इस तरह छोटा करके इस तरह यहाँ कोने में लगा देते हैं, इस तरह बीच में लगा दिए, ये इमोजी लग चुका। तो आपको करना है इस इमोजी को भी पूरे वीडियो पे ऐड कर देना, इस तरह खींच के पूरे वीडियो पे ऐड कर देना। पूरे वीडियो पे मेरा इमोजी लग चुका, थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। जो भी इमोजी यूज करना चाहिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आता है अगर टेक्स्ट लिखना चाहे तो टेक्स्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन रहा, सिंपल से करना टेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ दो टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट का टेक्स्ट लगाना चाहते हैं यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद जो भी आप जिस टेक्स्ट पे आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल करते हैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं, बहुत सारे हैं जो भी आप यूज करना चाहें यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो करते क्या, चलिए ये वाला पे क्लिक किए, जैसे क्लिक किए यहाँ टेक्स्ट लिखने का, यहाँ इस पर क्लिक किए, यहाँ पे लिखते क्या वेट फॉर इंड, चलिए वेट फॉर इंड लिखिए, उसके बाद ओके पे क्लिक किया। आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, देखिए इस टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर चले हैं, उसके बाद डन पे क्लिक किया और इस टेक्स्ट को खींच के ऊपर कर लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा ये चले आया, इसको भी करना खींच के पूरा वीडियो पे ले लेना, इस तरह पूरा का पूरा वीडियो पे ले लेना। उसके बाद देखिए प्ले करके आपको देखना, देखिए आपका टेक्स्ट भी हिल रहा है, इमोजी भी हिल रहा है। तो इस तरह आप जो भी लिखना चाहें आसानी से लिख सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा वीडियो बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना है इस वीडियो को फोन गैलरी में सेव करना। सेव करने के लिए उसके लिए आपको करना है ऊपर में देखिए यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर करना क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से करना है एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे एक्सपोर्ट पे देखिए यहाँ आपके सामने एक डाउट हो गया होगा कि मेरा हम जो इस वीडियो जो डोइट वीडियो बनाए इसका साइज कहाँ सेलेक्ट किया, आप चेक भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक यूट्यूब शॉर्ट्स वाला जो साइज है ऑटोमेटिक यहाँ पे एड है, ठीक है। तो आप जान भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर करना क्या क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक कीजिए यहाँ देखिए साइज यहाँ देखिए ऑटोमेटिक है 960, ये YouTube शॉर्ट्स का साइज है, ठीक है। लॉन्ग वीडियो का ये वाला है, ये शॉर्ट्स वीडियो का ये ऑटोमेटिक बीच पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेट पे क्लिक करना, उसके बाद फिर से करना थ्री डॉट पे क्लिक करना। जैसे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा, सिंपल से करना एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे आप जो भी जितना भी अपने वीडियो का हाइट HD में 1080 में करना चाहे 720 में करना चाहे यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी रखना चाहे। उसके बाद नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए ये जो वीडियो है एक्सपोर्टिंग हो रहा है, यानी एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप अपने आपके फोन के लिए में सेव भी हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड भी कर पाएंगे। तो इस तरह आप इजी से यूट्यूब के शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे डूइट वीडियो आसानी से बना पाएंगे और कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ गए होंगे। तो भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट के अंदर में जाके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मतलब कि बहुत सारे वीडियो को बनाए हैं, डूइट वीडियो किस तरह बनाए, रिएक्शन फ्रीज फ्रेम वीडियो किस तरह बनाए, यानी अच्छा से अच्छा डूइट वीडियो बनाना सिखाए हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर में, जाके देख भी सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दूसरी वीडियो मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।